भैया देखो पहुंच गए हम लोग खगड़िया, मतलब खगड़िया जहाँ का भाड़ा मुझे मिला था वो। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं बेगूसराय, ये है बेगूसराय मार्केट। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जगदीशपुर। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जैसे आपको बताया, मैं आया था नौगछिया मछली लेके, तो मछली खाली कर लिए, मछली खाली करके निकल गए और मैं अभी पहुंचने वाला हूं नौगछिया बाजार में, मतलब मार्केट में मैं पहुंचने वाला हूं कि अब पहुंच गया हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहां से अब आपको जाने का दिन में दिखाएंगे, क्योंकि रात को इस रास्ते से आए थे और रात को पूरी बारिश ही हुई थी भाई। ठीक है, बहुत तगड़े वाली बारिश, पूरी रात बारिश हुई, चुंडी चलाया जहाँ तक चला पाया, फिर इसको नींद आने लगा बेगूसराय के बाद। तो हम गए दो हम लेके चलते, फिर नौगछिया तक हम लेके आए, मतलब अनलोडिंग पॉइंट तक जहाँ खाली करना था वहाँ तक हम लेके आए थे। तो अब अनलोड हो गया है और यहाँ से हम चल रहे हैं घर के लिए। कौन गड़िया रुक गई, आगे ले लेंगे। तो ये भैया नौगछिया रोड पे ही है, आगे चौराहा है, चौराहे से लेफ्ट लेंगे तो भागलपुर चले जाएंगे। बीत गया, पहले क्यों नहीं बताया, मतलब मैं भूल गया। कोई बात नहीं, चौराहा कभी और दिखा देंगे। अभी लाद भी खा जाएगा, फिर बोलता है मेरे कहने पे मत जाओ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मगर वो नहीं बोलूँगा जैसे तुमको डिस्टर्ब होता है। ओ, मैं किससे डिस्टर्ब होता हूँ? पिछली वाले वीडियो में देख लेना, इतना किसको टाइम है कि खुद का ही वीडियो देखे। कोई और देख लेगा, तो कोई देखने वाले देख लेंगे और। ओके, तो अपन चलते हैं भैया। तो गुरु ये है नौगछिया मार्केट, जो हम दिखाए थे वो कोई और मार्केट था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये है नौगछिया मार्केट, नहीं मतलब चौराहा है इसको, जीरो नौगछिया जीरो माइल है ये, एक्चुअली इसका नाम नौगछिया जीरो माइल है। यहाँ से जब हम लेफ्ट लेते हैं ना तो पहुँच जाते हैं सीधे भागलपुर, ये पता नहीं कहाँ जाता है, सीधे जाते हैं पटना बेगूसराय। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई पहुँच गए नौगछिया टोल, ये नौगछिया टोल है। अरे अरे, ए धड़ाम, बहुत छोटा सा टोल है, बस तीन टो बनाया गया है। उपवास ऐसे नहीं बोलते, केला दे देना चाहिए था। तो मैं पहुंच चुका हूं महेश खूंट, महेश खूंट था। कोई भी खूंट हो, अपने को क्या करना है। तो वहां पहुंच चुके हैं, यहां से चलना है खगड़िया, मतलब यहां से खगड़िया की दूरी जो है 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है, और बेगूसराय जो है यहाँ से 55 किलोमीटर है, अभी 50 किलोमीटर, तो एक घंटा लग जाएगा बेगूसराय जाने में, तो 6 बज जाएगा मुझे बेगूसराय में ही। उसके बाद फिर देखिए कौन से रास्ते जाते हैं, या तो सिमरिया पुलों के बाढ़ और मतलब मोकामा बाढ़ होके चले जाएंगे, या तो फिर कोशिश जैसे आते हैं वैसे जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। भैया देखो पहुँच गए हम लोग खगड़िया, मतलब खगड़िया यहाँ से देखिए आगे से जब राइट में घूमेंगे राइट साइड, तो टाउन मतलब टाउन में खगड़िया सिटी में जाएगा। ठीक है, ये सामने से रास्ता है। तो यहाँ पे मैं आदित्य विजन में जो है कूलर खाली करने गया था, यहाँ से नहीं आगे से रास्ता है थोड़ा सा। ए भैया, ए भांग खाली है क्या? तो दोस्तों आगे से खगड़िया, मौसम जो है एकदम मस्त हो रखा है, शाम का टाइम है, व्यू देख सकते हैं आप सामने से, बहुत तगड़ा लग रहा है। देखिए यहाँ यही रास्ता है, चुंडी बोर्ड दिखाओ कैमरा मैन, यहाँ से ये देखिए ये रास्ता है जो खगड़िया सिटी के अंदर जाता है, यहीं से खाली करके मैं इस रास्ते से गया था आगे। ऑब्वियस सी बात है, आया था इसी से, तो जाऊंगा भी इसी से ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉगर ये क्या बताते हैं, बताना पड़ता है भाई, हमें भी पता है कि इसी रास्ते से आते तो इसी से जाएंगे, बट काम है हमारा वही कर रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं बेगूसराय, ये है बेगूसराय मार्केट, और सामने से भी देख सकते हैं, ये तो भाई वाइड एंगल काम ही नहीं करता है रात को। तो ये भैया बेगूसराय मार्केट है, इधर भी, और यहां से मुझे अभी कम से कम 5-6 किलोमीटर आगे और जाना है, और 5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहां से फिर जो है अपने को निकलना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो भाई पहुँच गए हम लोग दलसिंह सराय वापस से, माफ़ करिए
उबासी आ गई। फिर से बना बंद। वही पहुंच गए हम दलसिंह सराय। नींद लग रहा बहुत तेज, आंख देख रहे हैं गड्ढा हो गया कुआं। हमारे जो बगल में देखो जुगाड़ ठेले पे लोगे नहीं, कुछते कुछते चले जाना। तो भाई देख सिंह सराय और मेरे को लग रहा है नींद पता नहीं क्यों भाई, अब पता नहीं क्यों का क्या मतलब है, जाग ही रहे तीन चार दिन से तो नींद तो आएगी, कॉमन सी बात है। देख भैया ने तो को निकल लेंगे, मेरे से भोजपुरी ना बुलवाया करो, अंड पंड बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ इसलिए। अभी चाचा क्या बोला जाए, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं तो आगे मिलते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जगदीशपुर। बीच में मतलब हम सो गए थे थोड़ा सा ना, चुंडी मेरे को केला वेला खिला दिया था क्योंकि वो उपवास है, केला खिला दिया था। और इधर इतना छोटा छोटा केला होता है, पता नहीं क्यों केला खाने के बाद ना मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरे को उल्टी उल्टी हो गई, जिसकी वजह से मैं सोया था, सो के अभी उठाऊँ थोड़े टाइम पहले। और जो है अब मैं निकल रहा हूँ आगे, अभी तेल डला रहे थे, रात के बज रहे हैं, एक बजने वाला है, ठीक है। तो अभी हम हैं जगदीशपुर में ही, तेल डला लिए क्योंकि दो तीन पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं था, क्योंकि अपना ऑनलाइन ही सिस्टम ज़्यादा रहता है तो नहीं हो पाया जिसकी वजह से, तो फिर यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे तेल डलाए और यहाँ सब जो है चल रहे हैं घर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। सुबह के अभी जो है बज रहे हैं 4 और चुंडी को गाड़ी दे रहा हूँ मैं लोडिंग के लिए। कल जो है हम 4 बजे आए, पूरा दिन बिजी रहा, काम रहा, तो अभी 3 बजे मैं उठा हूँ। तो मेरे को याद आया कि अरे ब्लॉग तो अधूरा है, ठीक है, तो इसी ब्लॉग को कंटिन्यू रख रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ अंबिकापुर, अंबिकापुर से भाड़ा आया हुआ है। ओह माय गॉड, अभी तो नींद में से ही उठ रहा हूँ भाई। तो चुंडी आ रहा है, उसको देंगे गाड़ी और चुंडी जो है लेके जाएगा अंबिकापुर, वहाँ पर लोडिंग जो है वो है फिक्स, वहाँ से लोड करके अपना आएगा और मैं जाऊंगा घर पे। मेरे को थोड़ा काम है, अभी भी एक दो दिन और काम रहेगा तो उस काम से खाली होऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो अभी चुंडी को गाड़ी देने आया हूँ रोड पे, चुंडी आ रहा है उसको गाड़ी देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु शाम हो गया है देखिए, और मैं चुंडी को गाड़ी सुबह दे के भोर में 3 बजे घर आया और सो गया, सो के उठा हूँ सुबह के 11 बजे, मतलब 3 बजे जब आया उसके बाद जो है ना नींद नहीं लग रहा था, तो 4 बजे तक 4:30 बजे तक मोबाइल चलाया और उसके बाद जो है फिर मैं क्या बोलते हैं कि अपना सोया, सो के उठा तो देखा 11:30 बज रहा था, तो 10:30 बजे जो है सो के उठा और उसके बाद जो है कुछ काम। अभी मैं एक दो दिन बिजी चल रहा हूँ, मतलब फाइनल बिजी टाइम मेरा ख़त्म हो गया, बिजी शेड्यूल अब जो है हो गया हूँ खाली। तो चुंडिया जाएगा, मतलब गाड़ी पे तो मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ, बस आज नहीं गया और कल जो है थोड़ा सा काम था तो जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। तो अभी मैं फ़िलहाल खेतों में घूम रहा हूँ और जो है क्या बोलते हैं चुंडी आ रहा है लोड करके अंबिकापुर से, तो मैं जो है जाऊंगा अभी गाड़ी लेके गोरखपुर, चुंडी शायद नहीं जाएगा। और भाई शर्ट मैं वैसे पहनता नहीं हूँ पर शर्ट में बड़ा अच्छा लग रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप टी शर्ट से डायरेक्ट मैं शर्ट में आ रहा, मेरे को लग रहा है ओ अच्छी लग रही है शर्ट, ठीक है। तो खेतों में आ रहा हूँ, थोड़ा खेत पे देख लेते हैं, घूम लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं भाई। तो चलिए आ गए हैं खेतों में और चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। भाई शाम के 4:30 बज गए हैं और खेतों की यह हालत है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये सब अब तक सूख गया होता गेहूँ, पर जो है बारिश की वजह से नहीं सूखा। सरसों कट रहा इधर, देखो भाई ग्रामीण जनजीवन है हमारा, हम लोग गाँव में जीते हैं तो यही चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। शहर से तो उब चुके हैं हम लोग फ़िलहाल के लिए, तो मैं तो एकदम अब शहर में रहने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, गाँव ही ठीक है। और घर वहाँ रहा, ये घर वो रही, वहाँ देखिए बुलेट मेरी खड़ी है और वो है मेरा घर। ऊपर छोटा भाई बैठा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। और बाकी जो है ये सारी चीज़ें हैं, मैं खेत अपना दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई खेत में आ गया और ये देख सकते हैं मटर जो है पूरा सूख गया। इस बारी मैं मटर नहीं खा पाया यार अपने खेत का, क्योंकि क्या बोलते हैं मेरे को जो है वो समय नहीं मिला खेत पे आने का, जिसकी वजह से मटर नहीं खा पाई। ये देख सकते हैं पूरा मटर सूख चुका है एकदम, ये देख सकते हैं पूरा सूख रहा है, सूख चुका है, सूख गया है। और मैं चलूँगा अभी ना चना लाने, चना ला के भूज के खाऊँगा। तो जाना पड़ेगा मुझे खेत पे वहाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और बड़े पापा के यहाँ, बड़े पापा का घर ये है वैसे, वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाऊँगा मैं चना लेने और ले के आऊँगा, फिर खाऊँगा क्योंकि चना खाने का मन कर रहा है।
ये देखिए ये चिड़िया कितनी आवाज़ कर रही हैं, कहाँ गई, ये उधर भाग गई। ये लोग रात को बहुत आवाज़ करती हैं। ठीक है तो भैया यही है सब। देखिए अब घूम लिए भाई, बहुत ज़्यादा खेत वेत घूमना भी नहीं है, मतलब जितना घूम सकता था दिखा सकता था घूमा और दिखाया आपको। और जो है मैं गया था, मतलब ये जो ब्लॉग है ये कंटिन्यू है कि मैं गया था ये कहाँ से, नौगछिया। गाड़ी लोड हुई थी धनरौल डैम रावट्सगंज से और मैं गया था नौगछिया, जहाँ का भाड़ा मुझे मिला था, वो भाड़ा मिला था 17,000 रुपये। हाँ 17,000 रुपये भाड़ा मिला था और 17,000 में कुछ बचा नहीं देखा जाए तो, क्योंकि 9,000 का डीजल पी गई गाड़ी, 1500 रुपये ड्राइवरी दे दिया, 1500 रुपये सब खर्चा हुआ होगा, खाना पीना रोड खर्च सब मिला के तो 15-15-30 3,000 ये हो गया और 9-3 12,000 5,000 रुपये बचा। तो गाड़ी 600 किलोमीटर 550-600 किलोमीटर चला के जो है 5,000 रुपये बचता है तो कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, उतना चलने पे कम से कम 7-8 हज़ार रुपये नहीं बचता है तो कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि किस्त भी देनी है, गाड़ी का काम भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टायर खराब ट्यूब ख़राब हो गया था, 600 का तो ट्यूब ही हो गया तो कहाँ से करेगा आदमी। ठीक है पर एक चीज़ है, मैंने वीडियो डालने के बाद बहुत से लोगों ने बड़ी चीज़ें बताई, जैसे कि जिंदा मांगुर मछली नहीं लोड करनी है जिसमें पुलिस पकड़ लेती है, गाड़ी सीज हो जाता है, फलाना ढिमकाना, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी सीरियसली मुझे। देखिए इसीलिए मतलब चीज़ें लोग आप कमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीखा हूँ और बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि मैं सीख भी पाता हूँ आप लोगों को सिखा भी पाता हूँ, आप चीज़ें बताते हैं मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो भाई बस ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए आप सब, ताकि मुझे भी चीज़ें पता चले, मैं तो बाकी आप लोगों को सारी चीज़ें बताता ही हूँ। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।